इंडियन आर्मी को हैंड ओवर किया सो so, ये अपने देश में बने हुए अर्जुन एम के वन ए टैंक्स है सो so, हमारे देश में पहले से ही अर्जुन एम के वन टैंक्स बन रहे मगर ये वन ए है ज्यादा एडवांस टैंक्स है सो so, अभी आर्मी को मेन बैटल टैंक की 118 यूनिट्स दी जाएंगी जिन्हें सीवीआरडीई डी डी आर डी ओ ने पंद्रह एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस आठ लेबोरेटरीज और सेवरल एम के साथ मिलकर अपने ही देश में डिज़ाइन डेवलप और मैन्युफैक्चर किया है सो so, पहले जब भी कोई अर्जुन एम के वन ए टन टैंक बनता था तो लगभग इक्कीस से पच्चीस परसेंट ही वो देश में बन पाता था बाकी सारी आउटसोर्सिंग होती थी एंड इस बार जो ये अर्जुन एम के वन ए टैंक बना है ये पचास परसेंट से ज़्यादा इसका सारा काम देश में हुआ है सो so, ये एक बहुत ही बढ़िया स्टेप है आत्मनिर्भर भारत की ओर अब देखते हैं इन टैंक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है सो so, इन टैंक्स को बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि बेहतरीन फायर पावर हो हाई मोबिलिटी हो और एक्सीलेंट प्रोटेक्शन देने वाले अत्याधुनिक टैंक्स का निर्माण करना ये इस पूरे प्रोजेक्ट का एम था अब अर्जुन मेन बैटल टैंक जो प्रोजेक्ट है इसको डीआरडीओ ने 1972 में ही शुरू कर दिया था लेकिन ये सीवीआरडीई के साथ शुरू किया था सो so, यहाँ पर सीवीआरडीई का फुल फॉर्म है कॉम्बेट वहीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टैब्लिशमेंट हमारा अगला आर्टिकल है कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में 21 बॉर्डर के जो विलेजेस हैं उनमें सीमा को लेकर विवाद चल रहा है सो so, ये विवाद काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है मगर अभी ये न्यूज़ में इसलिए आया बिकॉज आंध्र प्रदेश ने पहली बार इधर के तीन गांव में पंचायत के इलेक्शन करवाए सो so, ये जो गांव है तीन गांव उनको बोला जाता है कोठिया क्लस्टर एंड यहां पर पहली बार इलेक्शंस कराए गए अब ये जो गांव है यहां की जो पॉपुलेशन है वो लगभग सिर्फ पाँच हज़ार ही है एंड यहां पे जो लोग रहते हैं वो रिमोट हिल टॉप एरिया में रहते हैं एंड स्पेशली यहाँ पे कौन ट्राइबल्स ही रहते हैं उन्हीं ने ये पूरे गाँव को बसाया हुआ है सो so, एक्चुअली में इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए ये एरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ये मिनरल रिसोर्सेज uh, के मिनरल uh, रिसोर्सेज के बहुत ही रिच रिजर्वायर्स हैं जैसे कि गोल्ड हो गया प्लैटिनम हो गया आयरन और हो गया बॉक्साइट हो गया ये सब यहाँ पर मिलता है तो इसलिए यहाँ के लिए बहुत डिस्प्यूट्स चल रहे हैं अब आप सोच रहे होंगे कि ये जिस एरिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा कम है हिल टॉप एरिया है सो तो उसके लिए इतने सालों से विवाद क्यों चल रहा है सो so एक्चुअली ये जो एरिया है वो मिनरल रिसोर्स जैसे कि गोल्ड हो गया प्लेटिनम मैंगनीज ग्रेफाइट एंड लाइम इन सभी के लिए बहुत रिच है सो so इसी के लिए दोनों में ज्यादा विवाद चल रहा है सो so नाइनटीन में उड़ीसा ने सुप्रीम कोर्ट में एक केस भी दायर किया था कि ये जो 21 गांव हैं उनका प्रवेशन उन्हें दे दिया जाए फिर 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना ज्यूरिडिक्शन दिया जिसमें उन्होंने ये बताया कि ये उनके ज्यूरिडिक्शन के एरिया में आता ही नहीं है ये स्टेट बाउंड्रीज का केस है और इसे सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के द्वारा ही सॉल्व किया जा सकता है हमारा अगला आर्टिकल पहला फागुन स्प्रिंग फेस्टिवल से रिलेटेड है सो इसे रिसेंटली बांग्लादेश में सेलिब्रेट किया गया So, जो स्प्रिंग का पहला दिन होता है उसको ये बोलते हैं पहला फागुन एंड इसको वो बहुत सेलिब्रेट करते हैं सो so, इस पूरे पेंडेमिक के दौरान भी ढाका में इस फेस्टिवल को बहुत जोर शोर से मनाया गया एंड और इसे ऑर्गेनाइज किसने किया ये देख लेते हैं इसे ऑर्गेनाइज किया है जातीय बसंत उत्सव उच्छा, उद्यापन उच्छा, परिषद ने एंड और इसे ऑर्गेनाइज किया गया है ढाका में तो इस प्रोग्राम में बेसिकली जो यंग रहती हैं वो येलो साड़ी पहनती हैं एंड जो यूथ रहता है वो सारे पंजाबियों के जैसे ड्रेस्ड अप रहता है है एंड इस फेस्टिवल में पार्ट लेता तो इसमें बहुत सारे डांस होते हैं म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस भी होती हैं हमारा अगला आर्टिकल पाकिस्तान आर्मी के एक्सरसाइजेस से रिलेटेड है सो so, रिसेंटली ये थार डेजर्ट में एक्सरसाइजेस कंडक्ट कर रहा है सो so, ये जो एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहा है ये महीने भर लंबी है एंड इसका नाम है जिदार उल हदीद इसे वो थार डेजर्ट में कंडक्ट कर रहा है एंड साथ में इसका एम ये है कि जो भी एक्सट्रीम डेजर्ट कंडीशंस में जो वॉर होते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनके लिए खुद को तैयार करना एंड साथ में ये एक मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज भी होस्ट कर रहा है तो so, इसे वो होस्ट कर रहा है अरेबियन सी में एंड उसका नाम है अमन 2021 सो so, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है अमन 2021 किससे रिलेटेड है एंड ये जो एक्सरसाइज अमन ट्वेंटी ट्वेंटी वन वो कंडक्ट कर रहा है इसमें पैंतालीस कंट्रीज भाग ले रही हैं जिसमें यूएसए ए रशिया चाइना और टर्की जैसी कंट्रीज भी शामिल हैं सो so, हमारा अगला आर्टिकल एक स्कीम से रिलेटेड है सो so, उसका नाम है कमर्शियल जूट सीड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम सो so, रिसेंटली इसे स्मृति ईरानी ने लॉन्च किया है तो इस स्कीम को एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत लॉन्च किया गया है एक्चुअली पिछले साल जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन के साथ एक एम पर साइन किया था जिसमें यह कहा था कि ये जो जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है वो साल 2021 से 22 के लिए 1000 हजार मेट्रिक टन सर्टिफाइड जूट सीड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा सो तो इसी के तहत इस स्कीम को लॉन्च किया गया है अब हम जूट की एम देखते हैं सो साल दो हजार के लिए जो एम है वो है फोर थाउजेंड टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव रुपीज चार हजार दो सौ पच्चीस रुपए एंड अगर हम इसको दो हजार चौदह पंद्रह से कंपेयर करें तो तब इसका एमएसपी था चौबीस सौ रुपए तो आप देख सकते हैं एमएसपी में ही काफी ज्यादा बढ़ोतरी आ गई है अब ये जो सीड डिस्ट्रीब्यूट होंगी जूट की वो बहुत ही हाईली प्रोडक्टिव वेरिएंट होंगी सो so, जब ये स्कीम पूरी तरह से कम्प्लीट हो जाएगी तब इसका जो रिजल्ट होगा वो ये होगा कि जो पाँच लाख जूट फार्मर्स हैं देश भर के उनकी इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी मतलब एक्चुअली उनकी इनकम इन्हांस होने में बहुत मदद मिलेगी सो so, ये जूट सीड्स का जब हाईली प्रोडक्टिव वेरियंट्स किसान को दिया जाएगा तब देश भर के पाँच लाख से ज़्यादा किसानों को जूट फार्मर्स को अपनी आमदनी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी हमारा अगला आर्टिकल है कि इंडिया ने सीरिया को 2000 हजार मेट्रिक टन चावल भेज दिए सो so, ये जो किया है इंडिया ने ये असिस्टेंस के तहत किया है जब अरब रिपब्लिक ने इसकी रिक्वेस्ट करी तब इंडिया ने 2000 हजार मेट्रिक टन चावल इनको दे दिया सो so, इंडिया हमेशा से सीरिया के साथ खड़ा रहा है हमारे इंटरनेशनल रिलेशन हमेशा से इसके साथ अच्छे रहे भले ही कंट्री के अंदर कितना भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो एंड इसके पहले पिछले साल देखें तो जुलाई में भी इंडिया ने सीरिया को कोविड नाइनटीन असिस्टेंस के तहत दस मेट्रिक टन दवाइया भेंट करी थी सो so ये जो 2000 मीट्रिक टन है एक बार में नहीं भेजा गया है अभी पहला कंसाइनमेंट जो कि हजार मीट्रिक टन का था इसे हमारे इंडियन एम्बेसिडर टू सीरिया जिनका नाम है हिफजुर रहमान उन्होंने सीरिया के मिनिस्टर ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हुसैन मखलौ को लताकिया पोर्ट पर हैंडओवर कर दिया है

सो so, इस रिपोर्ट को रिलीज किया है हमारे यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने एंड इस रिपोर्ट में क्या मेंशन है वो देख लेते हैं इसमें जो गरीब घरों पे जब रोड एक्सीडेंट्स होते हैं सो तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है उसी को मेंशन किया गया है एंड इस रिपोर्ट में क्या क्या फाइंडिंग्स है हम अगली स्लाइड में देखते हैं अब इसकी कुछ की फाइंडिंग्स देखते हैं सो so, रिपोर्ट ने ये हाईलाइट किया है कि वैसे तो इंडिया में वर्ल्ड के सिर्फ एक परसेंट वेहीकल्स ही हैं लेकिन रोड एक्सीडेंट के कारण होने वाली ग्लोबल डेथ का जो परसेंटेज है वो ग्यारह परसेंट का है सो so, इंडिया एकदम हाईएस्ट पोजीशन है वर्ल्ड में रोड एक्सीडेंट के कारण डेथ होने में की संख्या में and साथ में वर्ल्ड बैंक ने ये भी हाईलाइट किया है कि जो रोड क्रैश में ग्रामीण लोगों की जो काउंट है वो है फोर्टी फोर परसेंट का एंड वहीं पर रोड एक्सीडेंट में डेथ के जो काउंट है अर्बन पीपल का वो है ग्यारह दशमलव परसेंट का साथ में रिपोर्ट ने यह भी हाईलाइट किया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस इसपे क्वेश्चन बन सकता है कि वो कितने महीने की सैलरी पोस्ट रोड क्रैश केयर में स्पेंड कर देते हैं तो वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि एक गरीब लो इनकम हाउस होल्ड सात महीने की अपनी इनकम पोस्ट रोड क्रैश केयर में स्पेंड कर देता है वहीं पे अगर एक हाई इनकम हाउस होल्ड को देखा जाए तो वो अपनी एक महीने से भी कम की सैलरी को पोस्ट रोड क्रैश केयर में स्पेंड करता है तो उसमें यह बताया गया है कि कितने डिस्प्रोपोर्शनेट तरीके से ये बर्डन हाई इनकम और लो इनकम के बीच में शेयर किया जाता है हमारा अगला आर्टिकल है कि आई ने डिजी लॉकर्स को इशू करने को कहा है जिससे कि जो पॉलिसी होल्डर्स हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व कर पाए सो so यहाँ पर आई का फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया सो इसी ने यह कहा है तो so, अब सबसे पहले देखते हैं इस स्टेप से होगा क्या जब ये स्टेप को उठाएंगे तो इससे ना केवल सिर्फ कॉस्ट में कटिंग होगी बल्कि जो क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस है वो और ज्यादा स्पीड अप हो जाएगी मतलब और ज्यादा तेज हो जाएगी अब डिजी लॉकर को देखते हैं कि ये क्या है ये एक इनिशिएटिव है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत जिसमें गवर्नमेंट सिटीजन को ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट्स डिजिटल फॉर्मेट में प्रोवाइड करेगी फ्रॉम दी ओरिजिनल इससे क्या होगा टाइम पैसा दोनों बचेगा अब देखते हैं आई आर डी आई के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी स्थापना 1999 में हुई थी इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है ये एक तरह का वैधानिक निकाय है एंड इसके चेयरपर्सन का नाम है सुभाष चंद्र खोतिया हमारा अगला आर्टिकल इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की एक स्टडी से रिलेटेड है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि इंडिया में जो हैवी एयर पोल्यूशन है उसका एक बहुत बड़ा कारण कोल बर्निंग भी है सो so, ये जो कोल बेस्ड थर्मल पावर स्टेशन होते हैं जिनमें कोई भी पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी नहीं होती है ये जितना भी मैन मेड होते हैं ना इस देश में उसके आधे से ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड के प्रोडक्शन में और उस लगभग तीस परसेंट नाइट्रोजन ऑक्साइड और बीस परसेंट पर्टिकुलर मेटल के एमिशन में इन थर्मल पावर प्लांट्स का हाथ रहता है एंड जो निरंतर थर्मल पावर स्टेशन में निरंतर कोयला जलता रहता है एंड जो लेटेस्ट कार्बन कैप्चर स्टोरेज टेक्नोलॉजी है उसको इम्प्लीमेंट करने में जो ये देरी कर रहे हैं ये दो मेजर रीजन है इस कंट्री में एयर पोल्यूशन के बढ़ने के हमारा अगला आर्टिकल है कि कैमरून में पेंगुलेंस विलुप्त होने की कगार में है सो so, यहाँ पर पिछले एक दशक में लगभग एक मिलियन का शिकार हो चुका है जिससे कि ये जो पेंगुल है ये वर्ल्ड में सबसे अधिक तस्करी होने वाले स्तनधारियों में से एक बन गया है एंड ये यहाँ पर अपने विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुका है सो so, कैमरून में पेंगुलंस की तीन प्रजातियां पाई जाती है सो so, एक है वाइट बेलीड दूसरा है ब्लैक बेलीड एंड तीसरा है जाइंट एंड कैमरून में पेंगोलिन वाइल्ड लाइफ स्पीसीज इन कैमरून क्लासीफाई और कैमरून में पेंगोलियंस वाइल्ड लाइफ स्पीसीज की कैटेगरी ए में आते हैं जो इन्हें इनके शिकार शोषण और कब्जे से पूरी तरह बचाता है हमारा अगला आर्टिकल लासी की रिपोर्ट से रिलेटेड है सो इसमें ये कहा है कि जो यंग मैन है उनके अपेक्षा जो एल्डरली वूमेन रहती है उनमें कैंसर ज्यादा प्रीवलेंट रहता है एंड साथ में रिपोर्ट की कुछ और फाइंडिंग्स भी हैं तो वो ये है कि इंडिया में हर बीसवीं फैमिली की कैंसर रिलेटेड हिस्ट्री रहती है एंड साथ में हिमाचल प्रदेश सभी स्टेट्स और सभी यूनियन टेरिटरीज में फोर्टी फाइव साल से अबव जो एडल्ट हैं उनमें कैंसर या फिर कोई भी ट्यूमर से यहाँ पर से सबसे ज़्यादा सेल्फ रिपोर्टेड आई हैं अब रिपोर्ट की कुछ और फाइंडिंग्स भी हैं सो तो वो ये है कि फोर्टी फाइव साल से ऊपर के जो अडल्ट हैं, उनमें कैंसर या फिर कोई घातक सा ट्यूमर ये सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश से ही रिपोर्ट किए गए हैं सो so, इनका जो परसेंटेज है वो है टू पॉइंट टू परसेंट इसके बाद तमिलनाडु से सबसे कम केसेस रिपोर्ट किए गए हैं एंड उनका परसेंटेज है जीरो पॉइंट वन परसेंट एंड वो भी साठ साल से ऊपर वाले लोगों का है अब कैंसर के बारे में देखें तो इसके कॉजेस के बारे में देखें तो ये म्यूटेशन के कारण भी हो सकता है इनहेरिटेंस के कारण भी हो सकता है कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के कारण भी हो सकता है एंड डीएनए के रेप्लिकेशन के टाइम अगर कोई एरर आ जाए तब भी ये कैंसर हो सकता है एंड ह्यूमन में कैंसर जनन का सबसे बड़ा जो मेन फैक्टर होता है वो होती है एजिंग और साथ में रिपोर्ट ने यह भी बताया कि जो कैंसर है वो शहरी क्षेत्रों में ज्यादा व्यापक है इन कंपैरिजन टू ग्रामीण क्षेत्र और पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि हिमाचल प्रदेश से सबसे ज्यादा केसेस रजिस्टर किए गए हैं सो सेकेंड नंबर पर है केरला जहाँ से 1.8 परसेंट केसेस एल्डरली रजिस्टर किए गए हैं एंड एडल्ट के 1.6 परसेंट केसेस रजिस्टर किए गए अब सबसे कम केसेस की बात करी जाए तो वो नागालैंड से रजिस्टर किए गए हैं ओनली जीरो और उसके बाद सेकेंड नंबर पर बिहार जहाँ से जीरो पॉइंट रजिस्टर किए गए हैं हमारा अगला आर्टिकल रामानुजन मशीन से रिलेटेड है सो so, नाम से ही समझ में आ रहा है समथिंग रिलेटेड टू मैथमेटिक्स सो ये ये जो जो नई रामानुजन मशीन है नंबर्स में हिडन होते हैं उनको अनकवर करेगी एंड ये जो मशीन है इसमें एलगोरिदम होता है जो कि मैथमेटिकल कंक्लूजन को सीक आउट करेगा जो कि मतलब ऑलमोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि वो सत्य ही होंगे ट्रू ही होंगे बस उन्हें प्रूव नहीं किया गया है सो so, इसमें जो सेट ऑफ एल्गोरिदम हैं उनका नाम हमारे महान इंडियन मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन के नाम पर रखा गया है एंड ये जो नई ए मशीन है इसे इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि जो भी लार्ज सेट्स रहते हैं या फिर जो पोटेंशियल इक्वेशंस रहती हैं उनके लार्ज सेट्स रहते हैं उनमें से ये मैथमेटिकल पैटर्न्स का पता लगा पाए अब रामानुजन की बात हो रही है सो तो इनके बारे में थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं सो तो इनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को हुआ था इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था सो तो ये पूछ सकते हैं कि ये, है, तो ये है। बारह साल की उम्र में ही इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री को एकदम मास्टर कर लिया था एंड 1918 में इन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ लंडन के लिए इलेक्ट कर लिया गया था एंड रामानुजन सबसे यंगेस्ट मेंबर थे इस ब्रिटेन रॉयल सोसाइटी के एंड साथ में ये ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के लिए सिलेक्ट होने वाले पहले भारतीय थे एंड रामानुजन को सीरीज ऑफ पाई के लिए जाना जाता है इसमें जो इनकी फाइंडिंग्स है उसके लिए एंड साथ में एक इम्पोर्टेंट बात यह है वन सेवन टू नाइन को रामानुजन नंबर कहा जाता है हमारा अगला आर्टिकल है कि इंडिया मैपिंग और जियो स्पेशल डेटा को जनरल यूज के लिए अवेलेबल कराएगा सो so, अब ऐसा करने के लिए जो मैपिंग पॉलिसीज हैं उनमें बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे उन्हें अपडेट करना पड़ेगा सो so, पहले क्या होता था कि कोई भी इंडिविजुअल या कंपनी मैपिंग डेटा चाहती है सो so उसके लिए उन्हें जियो स्पेशल इन्फॉर्मेशन रेगुलेट्री एक्ट रेगुलेशन एक्ट 2016 के तहत अप्रूवल सीख करना पड़ता था एंड अभी तक यह होता आ रहा था कि अभी तक इंडिया मैपिंग uh, टेक्नोलॉजीज और सर्विसेज के लिए फॉरेन रिसोर्सेज पर ही निर्भर थी So, आज के लिए सिर्फ इतना ही थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग